कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि टोटल के मतलब कैटेगरी का भी एक ग्रुप है ये हम लोगों ने देखा था कि सभी कैटेगरी का एक ग्रुप है उसको हम लोग कॉर्डेंट वन कॉर्डेंट टू कॉर्डेंट थ्री कॉर्डेंट फाइव क्वारेंट फोर फाइव एंड सिक्स के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्यू वन क्यू टू भी बोलते हैं तो कल के लेक्चर में हमारा ये डिस्कशन हो गया था क्यू वन में क्या डिफरेंस है क्यू टू क्या है क्यू थ्री क्या है और क्यू फोर क्या है यदि कल के लेक्चर में किसी ने नहीं थे तो हम आपको बता देते हैं कि लेक्चर्स में Q5 और Q6 या Q12 कैसे देखते हो जैसे कि मुझे देखना है अभी मान लीजिए सोलर सोलर का क्या तो सोलर स्ट्रीट लाइट देखना है तो जो भी आपको लग रहा है नाम वो नाम आपको यहाँ पे सर्च कर देना है और यहाँ पे इसको आप जो भी इनपुट डालेंगे डाल के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है अभी सोलर स्ट्रीट लाइट के रिगार्डिंग जितने भी कैटेगरी होगा आपको सब कैटेगरी यहाँ पे डिग जाएगा अभी आपको देखना है कि आपका कैटेगरी आपका जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी के लिए बिल्कुल फिट है, वो आपको यहां से पता चल जाएगा इससे आपको कैटेगरी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और साथ में हर एक कैटेगरी के पास जो पास है आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3 लिखा हुआ है जैसे ये वाला है सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम एन टीपीसी में सेम यदि आप हैंडहेल्ड सर्च लाइट देखेंगे तो क्यू थ्री में है यहाँ पे इन्वर्टर बेस्ड एलईडी लाइट ये क्यू टू में है। तो जिस कैटेगरी का जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स फॉलो होगा ये हम लोगों ने बता दिया है जनरली आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 से ही मिलेंगे Q5 एंड Q6 में प्रोडक्ट बहुत ही कम है और ज्यादातर यूज में नहीं रहता है पर कुछ प्रोडक्ट है जो Q5 फाइव एंड क्यू कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैटेगरी क्या है कभी आपकी जरूरत पड़ी जो Q5 फाइव एंड क्यू का तो उसके लिए आप क्या करेंगे जनरली इसके बारे में आपको कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं मिलेगा यदि आप किसी से पूछेंगे तो आपको सब लोग क्या बोलेंगे चार ही कैटेगरी है Q1 से लेके Q4 तक पर Q5 फाइव एंड क्यू आपको नहीं दिखेगा ओके okay? तो हमें यहां पे पता चल गया कैटेगरी देखना कैटेगरी सर्च करना और कैटेगरी कौन सा कैटेगरी किस कॉर्डेंट से बिलोंग करता है ये हमें पता चल गया तो हम यहाँ पे जाएंगे और Q5 और Q6 के नॉर्म्स देखेंगे जो Q5 में क्या है देखो Q5 में हमें बताया जाता है कि ओनली इसको रीसेलर बेच सकता है यहाँ पे कौन बेच सकता है सिर्फ रीसेलर यहां पर भी जैसे Q4 की तरह यहाँ पे ओ की जरूरत नहीं है रीसेलर कोई भी प्रोडक्ट को बेच सकता है इसमें जनरली प्रोडक्ट कैसे आते हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली महिला बचत गट के जो प्रोडक्ट होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स, एस बोलते हैं देखो महिला बचत गट वगैरह जो है घर में कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है यदि आप देखेंगे तो मिट्टी के पॉट्स वगैरह या फिर कोई फ्लावर वगैरह का डेकोरेटेड आइटम बनाती है तो ये जो भी हैंड हेड आइटम होते हैं जो हाउस होल्ड आइटम होता है वो सब जो प्रोडक्ट है वो Q5 से बिलोंग करता है और उसके लिए कोई ओएम की जरूरत नहीं होती है यहां पे कोई ओ नहीं रहेगा सब लोग यहां पे रीसेलर ही रहेंगे क्लियर है Q5 का प्रोडक्ट आते हम लोग अभी Q6, Q6 को हम लोग बोलते हैं ओपीओडी हाँ सलिंदर सर बोलिए मित्तल सर सर आ, Q4 फोर में आपकी स्क्रीन पर है रीसेलर नो ओ हाँ सर और Q3 में आपकी स्क्रीन पर है सर ओईम एंड अथोराइज रीसेलर बराबर सर लेकिन आपने कल जब बताया था तो उसमें दो आपने सब कैटेगरी बताई थी वन इज ब्रांड बाय ओ एंड अदर इज रीसेलर अथोराइज बाय ओई और एक तीसरा भी था उसमें एक सब कैटेगरी यानी सब सेक्शन या सब जो भी आप बोलना चाहें वो था कि अनब्रांडेड है तो रीसेलर भी कर सकता है सर हम यहाँ पे देखो कैटेगरी आप किस कैटेगरी में कंफ्यूज हो वो बताइए क्यू वन में कंफ्यूज हैं क्यू टू में Q3 का रूल्स क्या है नॉर्म्स क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ Q3 में डिपेंड अपॉन ब्रांड ओ एम देखो अभी यहाँ पे जब भी ब्रांड होता है क्यू और क्यू की बात हम लोग छोड़ रहे हैं क्यू में जब भी हम लोग बात करते हैं क्यू या क्यू के प्रोडक्ट्स में तो यहां पॉलीमर बोल के मान लो एक कंपनी है ठीक है पॉलीमर बनाती है मित्तल सर और मित्तलर है अभी मित्तल सर, है उनका ब्रांड भी है मित्तल पॉलीमर बोल के पर वो मित्तल सर जेम पे अपने को एज ए ब्रांड रजिस्टर नहीं किया मतलब ओएम रजिस्टर नहीं किया है मैन्युफैक्चरर है है सब कुछ है। हो सकता है उसकी ब्रांड बहुत अच्छी है एक्सपोर्ट भी करते हैं बट मित्तल सर अपने को जेम पे एज ओएम नहीं लाया है अभी सॉरी रवि सर है रवि रंजन सर है वो मित्तल सर का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं पर वो चाहते हैं कि मैं जो है मित्तल पॉलीमर नाम से ही प्रोडक्ट को बेचूंगा अनब्रांडेड बोल के नहीं बेचना चाहता तो रवि सर क्या करेंगे मित्तल सर से ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेंगे और वो ब्रांड को लिस्ट कर देंगे जेम पे तो ये ब्रांड हो गया लिस्ट पर मित्तल सर है जो ओएम रजिस्टर्ड नहीं हुए सिर्फ उनका ब्रांड लिस्टिंग हो गया ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे जिसमें सिर्फ ब्रांड लिस्टिंग है बट उसका ओएम अभी तक जेम पे नहीं आया है वैसे प्रोडक्ट को विदाउट एनी ऑथराइजेशन आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो यह है क्यूथ्री का नाम जिसमें ब्रांड भी रजिस्टर्ड है और ओएम भी उसका जेम पे रजिस्टर्ड है Q3 में उसका प्रोडक्ट यदि आपको बेचना है उस ब्रांड का तो आपको उसके लिए ओएम से अप्रूवल लेना पड़ेगा क्लियर हो गया क्लियर है या डाउट है yes, रवि सर हाँ सर मैं बस यही रहा था कि कैटेगरी में कल करें सर अभी तो ये तो पूरा तो पॉसिबल नहीं है जनरली हम लोग एक आपको दे सो, हैं। ओके सो हाँ, मैं Q1 में सिर्फ OEM बेच सकता है यहाँ पे रीसेलर को एंट्री नहीं है Q2 में बेच सकता है पर ऑथोराइज रीसेलर ही बेच सकता है यहाँ पे आपको OEM से ऑथराइजेशन नंबर लेना मस्ट है Q3 की यदि बात करूंगा तो ओ एम भी बेच सकता, सकता है पर डिपेंड अपॉन ब्रांड कुछ ब्रांड के लिए जहां पे जैसे मैंने अभी बात कर रहे थे में में डिपेंड अपॉन ब्रांड ज़िए ब्रांड यदि रजिस्टर्ड है और उस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो एज ए रिसेलर तो फिर आपको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा और यदि वो ब्रांड एज ए एम जेम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको विदाउट एनी ऑथोराइजेशन आप जेम का कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं क्यू फोर के यदि कैटेगरी की बात करेंगे तो क्यू फोर में आपको कोई भी ब्रांड ले लो चाहे वो ब्रांड ओ रजिस्टर्ड है तब भी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो विदाउट एनी ऑथराइजेशन Q5 के लिए तो अभी हम लोगों ने बोला यहाँ पे ओय यहां पर भी नहीं बनता है क्लियर है सत्संग सर बोलिए सर आप अगर दिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर फिर वो कैसा है बात समझ में आएंगे और अच्छे से सर क्या बोले समझे नहीं सर सर आप दिखाई नहीं देते सर हमको अच्छा दिखा। सर ऐसे भी हम जब वीडियो चलेगा तो मैं दिखाई नहीं दूंगा क्यों नहीं हम हाँ सर ऐसा है ना तो फिर अच्छे से समझ में आएंगे बात ले रहे फिर अभी हाँ सर होगा गुरु जी को नमस्कार थोड़ा लक्ष्य सर गुरु जी नहीं है बस हम लोग आपके जैसे ही हम भी है ऐसा कुछ नहीं है आ, क्लियर है भी भी? हाँ। अभी अभी ठीक है थैंक यू सर yes. सर आपको हमें हम आपको को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने सजेस्ट किया आपको कोई भी तकलीफ होगा तो इसके लिए हम हैं ऐसा नहीं है आप बोल सकते हैं हमें है ना? हाँ ठीक है नेक्स्ट शायद एक क्वेरी है मैडम का नजीरा मैडम प्लीज आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद काफी बार आपने यस यस डाला नजर मैडम हाँ सर सर मैं जस्ट बोल आप तो मैं बोल रही थी क्लियर हुआ तो मैं यस बोल रही थी ओके 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 मुझे लगा कुछ डाउट हैं ठीक है थैंक यू मैडम अभी यहाँ पे थोड़े से नाम में कंफ्यूज हैं शायद मेरा जो मैं बोलूंगा तो थोड़ा हो सकता है एक दो मैडम एक आह एक क्या है एक, न, देखो एक नजीरा मैडम है और एक नसीरा मैडम है एक नसीरा है दूसरा नाजीरा है नाजीरा है ओके okay. तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकता है है ना ओके okay, चलिए तो फिर हम लोग समझते हैं क्यू फाइव के प्रोडक्ट्स में क्यू फाइव में हम लोगों ने अभी बताया क्लियर है ना क्यू फाइव फिर अभी अभी हम लोग बात करते हैं क्यू सिक्स की क्यू सिक्स में हम लोग बोलते हैं ओडीओ पी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है वन डिस्ट्रिक्ट चलिए तो जैसे मैडम ने है नाशीरा मैडम बोलिए मैडम प्लीज हाँ सर आपकी आवाज बिल्कुल ही स्लो आ रही है सर कुछ भी नहीं आ रही है मैडम देखो आपके पास शायद वॉल्यूम का रहेगा क्यूँकी तो लेकिन कल सर क्लियर था आज पता नहीं क्या है आपके पास देखिए वॉल्यूम का कुछ है क्या कंट्रोल वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए सर जो कंट्रोल है वो मैंने यूज कर लिया उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक तो मुझे सुनाने कुछ भी नहीं दे रहा है ओके तो आप एक काम करो सर मैडम एक बार आप डिस्कनेक्ट कीजिए और फिर से कनेक्ट हो जाइए ओके सर और तो शायद आपका हो जाएगा और नहीं तो फिर मैंने आपको कुछ नंबर प्रोवाइड किए हैं आप उनको फोन कर लीजिए और फिर वो देखो एनीडेक्स से लेके एक बार आपका चेक कर लेंगे क्योंकि तो मुझे टोटली कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हाँ नहीं नहीं, नहीं, नहीं आपके यहाँ पे सिस्टम में कुछ इशू होगा तो वो चेक कर लेंगे क्योंकि मेरा यहाँ से जो सिस्टम का यदि प्रॉब्लम रहा ना तो सबको प्रॉब्लम होगा चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्यू सिक्स की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ओपीओडी किसी को पता है ओपीओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुना है आप लोगों ने हाँ मित्तल सर बोलिए सर वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रोडक्ट स्पेशली यस वो उन्होंने उसमें लिस्टेड कर रखा है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट का इट्स लाइक जीआई बट नॉट जीआई बट लाइक जीआई जी बराबर मित्तल सर एकदम क्लियर है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जिस भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे उसकी स्पेशलाइजेशन है कोई चीजों का तो वहां का वो प्रोडक्ट को हम लोग क्यू सिक्स कैटेगरी में डालते हैं इसीलिए हम उसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बोलिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसी का भी बताइए स्टेट बताओ कौन सा स्टेट ले लो यूपी है यूपी स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताओ फिरोजाबाद फिरोजाबाद क्या फेमस है फिरोजाबाद का सर ग्लास यस yes, देखो ग्लासवेयर एकदम राइट पर इसमें कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है पर यहाँ पे ग्लास तो आपको ये जो प्रोडक्ट दिखेंगे ना ये Q6 कैटेगरी से बिलोंग करेगा अब इसमें पता चल जाएगा आप कहीं का भी देख सकते हो है ना तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी चीजें फेमस होगा वहां का आपको वो ओपीओडी में आएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना जैसे जम्मू से हमारे पास काफी लोग आते हैं इसलिए हम जम्मू का एग्जांपल लेते ही है अभी इसमें भी कम से कम नहीं तो भी चार से पांच लोग तो मिनिमम जम्मू से होंगे तो जम्मू क्या फेमस है कहां का कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैं समझ पा सकता तो हूं सर, सर वालनट आएगा हैं कहां का वालनट आएगा श्रीनगर अब श्रीनगर में क्या फेमस है देखो हां सैपियर माश बॉक्सेस है ना

हाँ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ इसके लिंक्स में चैट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि वो लिंक से आपको पर... सर एक बार दोबारा से उसे देखा गुड इवनिंग सर हम... हाँ बोलिए सर क्यू सिक्स में थोड़ी सी क्वेरी है हाँ बोलिए ना मुझे क्यू सिक्स जो है वो अ... नहीं समझ में आया एक बार आप वापस कर सकते हो प्लीज देखो ये वन वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्टेट होता है उसके जो चीजें बिलोंग रखते हैं सॉरी टू सर सॉरी टू यू मुझे ये पूछना था मैं ये चीज समझ गई की वन डिस्ट्रिक्ट वन बट इट्स मैंडेटरीपल जैसे आपने बताया मित्तल सर कंपनी है राइट अभी वो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से okay, हाँ. है ना तो उनकी वहाँ का कुछ फेमस होगा, वो प्रोडक्ट हम लोग वहां पे 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 करेंगे, तो वो उसके पे वहां पे कर सकते हैं हम लोग नहीं मैडम यहाँ पे Q6 के नॉर्म्स क्या है ओनली ओ एम कैन अपलोड रीसेलर कैन क्लियर कर सकता है ये सेम Q2 कैटेगरी का नॉर्म्स है Q2 टू okay. कैटेगरी में भी आप नया प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते तो रीसेलर पे नहीं करेगा इसके लिए आपको वहाँ का ओ एम बनना पड़ेगा और क्यूसिक्स मतलब, इस तो हाँ, yes, की कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं अगर मेरी कंपनी है मैं री सेलर हूँ तो मैं वो प्रोडक्ट ऑथोराइजेशन लेटर के बेस पे भी अपलोड नहीं कर सकती राइट आप नया प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते पर उस प्रोडक्ट को रीसेल जरूर कर सकते हो उस प्रोडक्ट को रीसेल कर सकती हूँ जो सर जेम पे जो पेरिंग होते हैं प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट वो भी मैं कर सकती हूँ राइट तो क्यू सिक्स कैटेगरी में मैंडेटरी है कि वो प्रोडक्ट वहां पे आ, क्या बोलते हैं वहां पे होना मतलब, चाहिए मतलब जेम पे उसका नाम होना चाहिए होना चाहिए और ओ के एंड से वो प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड होना चाहिए थैंक यू सर तो क्लियर हो गया हमारे कॉर्डेंट्स के प्रोडक्ट बोलो या Q1 से लेके Q6 का क्लियर है ना फिर चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं हम लोग अभी मेन टॉपिक्स पे आते हैं ये हमारा अभी तक का इंट्रोडक्शन का क्लास था तो हम लोग अभी आएंगे रजिस्ट्रेशन जेम पे रजिस्टर अभी हम लोग बेसिक लेवल से चालू करेंगे अभी आपके जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी आपको कैसा पूछना है जिस टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे उसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेरी होगा जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन में पूछ रहे हैं तो आपकी जो भी होंगे, वो एलवन के, के टाइम तो पे एलवन की क्वेरी होगी ये आपको समझना है क्योंकि हर एक क्वेरी जो टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स ही हम लोग क्वेरी को कवर करेंगे चलिए तो फिर रजिस्ट्रेशन का पार्ट चालू करते हैं सबको वीडियो का एक्सेस मिल चुका है ना यस और हेमा मैडम हमारे तरफ से सॉरी क्योंकि आपको दिक्कत हो गई यहाँ पे हम आपको अनम्यूट भी कर रहे थे पर आप लोग आपने देखा नहीं सर मैं देखा आप बोले ना सर कि एनी एनी डिवाइस में आप कनेक्ट कर लो करके मैं कनेक्ट कर दिया बट नहीं हुआ सर आप लीव कर दिया मेरे को मैडम आपने हम आपको आपको हम बता भी रहे थे कि आप आवाज दीजिए क्या नाम से कनेक्ट है क्या नाम से कनेक्ट है तो आप हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे अभी क्या है कोई सबके तो लिए आपके स्पेशल इसलिए तो वो लिंक से फिर आप सिर्फ अपने नाम से कल से कनेक्ट हो जाइएगा ठीक है मैडम कल से लिंक नया मिलेगा आपको कल का लिंक क्लास फिर आप वो डिवाइस से कनेक्ट हो पाएंगे